कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपान क्यू। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसे बताना है तुम्हें जो पी अपान क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, जिसके पास केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, उससे ज्यादा ना हो। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो या एक्सपेंशन हो। कह रहा है कैन यू गिव्स व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या ये तुम बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें क्यू सेटिस्फाई करती है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल में देखिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, याद रखिएगा 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। याद रखिए अगर अपान में 5 है, अगर अपान में 5 है तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, 2 and 5 अगर होगा तो। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2/5 को लेते हैं, ठीक है, 2/5 करते हैं। अगर हम 2/5 को सॉल्व करें तो 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा, 0 डाइन चलते हैं तो 20 हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 4 20 हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा 0.4 हो गया, है ना। ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 5/2 ले लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, 5/2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर हम 5/2 ले लिए हैं तो यहाँ 5 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 4, और यहाँ 1 पॉइंट लगाया 0 और 2 5 10, तो यहाँ कितना हो गया आपका 2.5 हो गया, है ना। नेक्स्ट चलिए कोई और एग्जांपल आप लीजिए, जो भी आपका मन हो, जो एग्जांपल आप लेना चाहें, जैसे अब 2/5 लिया ही था, 3/5 ले लेते हैं, तो चलते हैं डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 3 को 5 से डिवाइड करिए, 3 को 5 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, यानी डेसिमल लगाया 0, फिर ये 30 हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 6 30, है ना, ये तो आएगा तो 0.6 हो गया आपका। अब ये हमारा क्या हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए हमारे, है ना, ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। अब कह रहा है कि हमें इसमें केवल एक कॉमन फैक्टर बताना, और ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्यू सेटिस्फाई करेगी, जिससे हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने ये बताया आपको कि अगर 2 और 5, यानी 2 और 5 किसी में भी मिलता है तो हम जान लेंगे वो आपका कैसा है, कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो वही से हम लिखना है कि अगर 2 and 5 किसी भी उसमें मीन्स किसी भी फैक्टर में होगा, कि कोई भी फैक्टर आपको मिलता है जिसमें 2 and 5 है, तो याद रखिएगा वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। कौन कौन से नंबर, 2 and 5, अगर 2 and 5 के फैक्टर में है, 2 and 5 के फैक्टर में है, तो जान लीजिएगा कि जो आपका Q है वो Q आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और वहाँ पर फैक्टर 2 और 5 को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। हमको यही राइट भी करना है, तो चलते हैं राइट करते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं एक्सपेंशन, एक और नाम क्या देते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। थोड़ा इसमें स्याही खत्म हो गई है, इंक नहीं है, इंक की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो एक्सपेंशन। इसके बाद लिखेंगे देन क्यू
देन क्यू क्यू यहाँ पर स्माइल दिया इसलिए स्माइल ही लिखते हैं, ठीक है। क्यू यहाँ पर स्माइल दिया तो स्माइल ही लिखते हैं। तो क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ टू एंड फाइव आज के लिए आपका यही इतना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन सिक्स से, क्योंकि अब इंक खत्म हो गई इसमें। तो आज का क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका लास्ट है। कल हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन का लाभ लीजिए, घर में रहिए, खाइए पीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो